हरिओम तत्सत, मैं भगवान दास खुबानी, रिटायर रीडर, सेशन कोर्ट। आज की योग क्लास में मधुमेह रोगियों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ मंडूकासन का प्रयोग कैसे करें दिखाऊंगा। अनुलोम विलोम के साथ मंडूकासन डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसको करने से अग्नाशय यानी पेनक्रिया सक्रिय किया जा सकता है। इसका नियमित अभ्यास करने से इंसुलिन पर निर्भरता को कम करता है। पेट, लीवर, किडनी व जोड़ों के दर्द में भी यह आसन उपयोगी है। अनुलोम विलोम से पहले एक पदासन में बैठकर ज्ञान मुद्रा बनाकर हम लंबे लंबे सांस लेंगे। इसके बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे को दाहिने नोस्टल पर रखेंगे व बाई नोस्टल से गहरी सांस लेंगे। कुछ देर पांच तक गिनती करने तक रोकेंगे। तर्जनी उंगली को बाएं नोस्टल पर रखकर बंद कर देंगे और दाएं नोस्टल से सांस छोड़ेंगे। ऐसा 10 बार करेंगे। पुनः इस क्रिया को दोबारा करेंगे। अनुलोम विलोम से कई प्रकार के फायदे हैं। अनुलोम विलोम से सांस संबंधी बीमारियां समाप्त होती है। अनुलोम विलोम से हाई बीपी और किसी को डायबिटीज़ हो तो उसमें भी लाभ मिलता है। अनुलोम विलोम की क्रिया को दोहराते रहेंगे। इसी प्रकार एक नोस्टिल को बंद करेंगे, दूसरे नोस्टिल से सांस लेंगे, कुछ देर रोकेंगे, दूसरे नोस्टिल को बंद कर पहले नोस्टिल से सांस छोड़ेंगे। सर्वप्रथम पैरों को लंबा कर दंडासन स्थिति में बैठेंगे, फिर पैरों को मोड़ कर वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हाथों में दोनों अंगूठों को मोड़ कर पेट को अंदर करके धीरे धीरे झुकेंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे और नॉर्मल सांस लेते हुए सामने की ओर देखेंगे। गर्दन ऊँचे रखेंगे और उसके बाद बिल्कुल सीधे होकर के बैठ जाएंगे और कमर को थोड़ा सीधा रखेंगे। पुनः इस क्रिया को दोहराएंगे। हाथों की मुट्ठियों को नाभि से एक एक इंच दूरी पर अंदर कर मुट्ठियों से पेट पर हल्का दबाव करेंगे। सांस लेने के बाद ऊपर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। मंडूकासन मधुमेह में बहुत ही उपयोगी है और ये हाई बीपी, किडनी, लीवर के लिए भी उपयोगी है। यह आसन गर्भवती महिलाओं को पेट में अल्सर हो तो नहीं करना चाहिए। पेट का ऑपरेशन जिसने कराया हो उसको भी यह आसन नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।